हेलो गाइस, मेरा नाम अभिषेक है। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल वर्ल्ड ऑफ स्टोरीज में। तो आज हमारी स्टोरी एक बार फिर से शुरू होने वाली है। आज की जो स्टोरी होने वाली है वो हमारी हैदराबाद का एक लड़का साहिल है, उसके साथ क्या क्या एक्सपीरियंस होता है उसके बारे में स्टोरी होने वाली है। तो बिना देरी करें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं और अपने भाई को इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये जो कहानी है ये कहानी होने वाली है एक लड़का है साहिल जो कि हैदराबाद में रह रहा होता है। वो और उसका दोस्त रात को खाना खा के सोचते हैं कि कुछ थोड़ा टहलने चलते हैं, और खाना भी उन्होंने घर के बाहर ही खाया हुआ होता है। तो वो सोचते हैं थोड़ा टहल लेते हैं यार, कि वॉक कर लेते हैं तो ठीक रहेगा। तो वो दोनों वॉक कर रहे होते हैं। वॉक करते करते वो लोग अपने घर के पास के पार्क में चले जाते हैं कि थोड़ी देर पार्क में घूम लेते हैं। तो टाइम जो हो रहा था ना 9 बजे का टाइम हो रहा था, और पार्क से लोग धीरे धीरे करके घर की वापस जाने की मतलब लिए तैयार थे, घर वापस जा रहे थे लोग। तो 9 बजे क्या था उस पार्क में अंधेरा गुप्त होने लगा था। तो वो धीरे धीरे थोड़े बहुत राउंड काटने के लिए पार्क में आए थे, तो उन्होंने एक दो राउंड काटा, फिर वो थोड़ा थक से गए। तो उन्होंने सोचा कि चल यार वो पेड़ के पास जो बेंच है ना वहां चल के बैठते हैं। तो उसका दोस्त था विनय और साहिल दोनों बेंच पे जाके बैठ जाते हैं और नॉर्मल बातचीत करने लगते हैं। तो ऐसी बात करते करते उन्हें पीछे से आवाज आती है जैसे कि कोई कुछ बोल रहा हो। तो वो पीछे यूं करके चेक करके देखता है तो उसे कोई भी दिखाई नहीं देता पेड़ की साइड। फिर से आवाज आती है साहिल को जैसे पीछे से कोई आवाज दे रहा है। जैसे ही साहिल पीछे यूं करके घूमता है तो उसे एक 5 फुट लंबी एक आकृति दिखाई देती है, ब्लैक बिल्कुल। और उस आकृति का ना आंख है ना कान है ना मुंह है, कुछ नहीं है। लेकिन इतना गुप्त अंधेरा हो रहा था वहां पे कि उसको दो आंखें उसकी रेड रेड दिखाई दे रही थी साफ। ये देख के वो जैसे ही विनय की तरफ देखता है तो विनय तो गायब, विनय तो भाग दौड़ मार रहा है भाई, वो थकड़ी घर वापस भाग रहा है। पीछे भी ये साहिल भी दौड़ मारता है, बहुत तेज भागता है। पार्क के बाहर उन्हें अपने दो दोस्त और मिल जाते हैं, एक जैन और एक और होता है उनका दोस्त, 4 दोस्त हो जाते हैं वो टोटल। फिर तो वो जैन से कहता है जैन पार्क के अंदर चलते हैं दोबारा से और तू मेरी फोटो खींचियो, तो फोटो में भूत वगैरह जो भी होते हैं वो आ जाएंगे। तो जैन उसका फोटो क्लिक करता है लेकिन उस फोटो में तो कोई भी नहीं आता है। फिर वो बहुत हिम्मत करके उस पेड़ के पास जहां उनको वो रेड आंख वाला कुछ दिखाई दिया था, सारे लोग वहां जाते हैं तो वहां उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं देता है। अब डर तो वो चारों ही जाते हैं, लेकिन डरने के बाद वो जैसे तैसे करके अपना घर जाके आराम से सो जाते हैं। सोने के बाद अब क्या होता है, 2-4 दिन बाद दोबारा से क्या होता है, साहिल को किसी ट्रिप पे जाना होता है, बर्फ वाली ट्रिप पे, मतलब बर्फ वगैरह से खेल खाल के वापस आ रहा होता है। वो ट्रिप पे जाके आराम से अपनी ट्रिप वगैरह एंजॉय करके वापस आ रहा होता है। तो वापस आते हुए टाइम पे रात को 12 बज रहे होते हैं। अब रात को 12 बजे वो जो है उसका कॉलेज था, उस कॉलेज के पास तक उसका कॉलेज था, वो अपने कॉलेज के पास तक तो आ चुका था। अब कॉलेज के पास से उसे पैदल पैदल घर जाना था, 2 किलोमीटर वहां से उसका घर रह जाता है। तो वो पैदल पैदल घर की ओर जा रहा था, रास्ते में एक कब्रिस्तान पड़ता है तो उसको डर लग रहा था, उसकी सांसें भी थम रही थी। बिकॉज वो भूत प्रेत में बिलीव तो करता नहीं था लेकिन मजाक बहुत उड़ाता था, लेकिन डर लगता था उसे बकायदा। तो जैसे ही कब्रिस्तान के पास वो पहुंचता है उसका जो हार्ट बीट होती है वो बहुत तेज होने लगती है, और गुप्त अंधेरे में वो बस ये सोच रहा होता है कि यार कैसे भी करके मैं जल्दी से कब्रिस्तान पार करके अपना घर पहुंच जाऊं। उस सांस से रोक के भाई बिना इधर उधर देखे सीधे चलता रहता है घर की तरफ ताकि जल्दी से घर पहुंच जाए। फाइनली वो कब्रिस्तान पार कर देता है। पार करने के बाद वो जैसे तैसे करके अपने घर पहुंच जाता है। अब जैसे ही अपने घर में जाके अपने ग्राउंड फ्लोर में जाके अपने रूम में ऐसे करके लेट जाता है। अब जैसे ही वो अपने रूम में लेटता है थोड़ी देर सोने के बाद उसे ऐसा लगता है कि उसे छाती पर थोड़ा भारीपन उसे महसूस होता है। उसे ये लगता है कि शायद उसे स्लीप पैरालिसिस जो होती है वो हो गई है। बट होता क्या है, वो ये बोलता है कि ऐसा लगता है उसकी छाती पे किसी ने हाथ रख रखा है, कोई बहुत बड़ा सा इंसान है, रेड आंखें है उसकी और 2 सींग निकले हुए, शैतान जैसा उसे लगता है कोई। और वो साहिल कुछ बोलने की कोशिश कर रहा होता है तो वो उसके मुंह से आवाज भी नहीं निकलती है, उसके हाथ भी नहीं हिलते हैं। और वो शैतान का जो हाथ होता है वो उसकी गर्दन पे होता है, वो बहुत आवाजें देता है, वो अपने भगवान को याद करता है। भगवान को याद करते करते अचानक से उसकी आंखों से आंसू निकल जाते हैं। तो पता नहीं क्या होता है, एकदम से अचानक से वो जो शैतान होता है वो उसको छोड़ देता है। अब वो जैसे ही छूटता है वो एकदम से लाइट जलाता है कमरे की, देखता है तो कमरे में कोई नहीं है। भाग के अपनी मम्मी वगैरह को बुलाने के लिए जब वो बाहर जाता है देखता है तो उसके फ्लोर पे ही कोई नहीं है, वो सब लोग 3rd फ्लोर पे सो रहे होते हैं। चलो भाई, उन्हें देखने के बाद वो फिर जैसे ही अपने कमरे में दोबारा से वापस आता है उससे अपने बेड के नीचे से किसी बच्चे के रोने की आवाज आ रही होती है।
अब वो जैसे ही बेड के नीचे झांक के देखता है तो बेड के नीचे उसे एक हरे रंग का बच्चा दिखाई देता है, जो कि उससे बोलता है कि तू अच्छा हुआ कि कभी झूठ नहीं बोलता, इसलिए तू बच रहा है, वरना हम तुझे जान से मार देंगे, ये वो, और तू हमारा बहुत मजाक उड़ाता है ना, तुझे हम दिखाएंगे कि हम कौन है। ये सुन के उसकी इतनी हालत खराब हो जाती है, वो बिल्कुल ऐसा हो जाता है जैसे बेहोश होने वाला होता है। फिर वो जैसे ही बच्चा जो होता है, वो शैतानी बच्चा जब हंसने लगता है ना नीचे जो होता है बैठ के, तो सच में ही साहिल जो है बेहोश हो जाता है। बेहोश में उसे जो है भगवान जी सपने में आते हैं, वो उससे ये बोलते हैं कि बेटा ये सब चीजों से तुम डरो मत, तुम्हें ये चीजें इसलिए परेशान कर रही है क्योंकि तुम इन चीजों का बहुत मजाक उड़ाया करते थे। अब तुम्हें कभी भी अगर ये दिखाई दे तो इनका डट के सामना करना और बिल्कुल गुस्से में आके इनको डांटना, तो तुम इन सब चीजों से छुटकारा पा पाओगे। अब उसके बाद जैसे ही उसकी आंख खुलती है सपने में, सपने के बाद तो वो जो बच्चा होता है वो वहां से जा चुका होता है। फिर वो जैसे तैसे करके भाई सो जाता, सोने के बाद अब क्या होता है, वो होता है नेक्स्ट डे। नेक्स्ट डे रात को फिर से वो सोता है तो उसको फिर से ऐसा लगता है कि कोई उसकी छाती पे बैठा हुआ है। सेम उसको सीन वापस से रिक्रिएट होता है उसके साथ, लेकिन इस बार क्या होता है, वो छाती वाला होने के बाद सीन खत्म, अगली बार उसे क्या लगता है कि एक बिना धड़की औरत जिसके बाल बहुत लंबे लंबे हैं और उसका मुंह बहुत खौफनाक है, वो उसकी तरफ बढ़ती हुई आ रही है और वो उसके गर्दन पकड़ने के लिए आ रही है उसके पीछे पीछे। उसे देख के उसको रात में जो सपने में भगवान जी ने उससे बात बोली थी, वो बात उसको याद आती है सपने वाली, और वो निडर होके उसका सामना करता है और बोलता है कि तू क्या कर लेगी मेरा, तू मेरा कुछ नहीं कर सकती, मेरे साथ मेरा रब है, मेरा भगवान है, मतलब इस टाइप से वो बोलता है। तो वो चुड़ैल सोचती है कि ये हमसे डर नहीं रहा है, मतलब क्या है ऐसी बात। तो बिल्कुल वो डट के सामना करता है, वो कहता है मुझे पता है तुम लोग यहाँ हो, दुनिया में रहते हो, मुझे माफ करना कि मुझसे गलती हुई, मैंने तुम लोगों का मजाक उड़ाया, आगे से मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा, लेकिन तुम मेरा कुछ नहीं उगाड़ पाओगे क्योंकि मेरे साथ मेरा भगवान है। फट तो रही थी उसकी लिटरली, लेकिन बोलना भी था उसे क्योंकि उसे सपने में आया था। फाइनली उसने ऐसे बोला, और ऐसे बोला तो वो जो छुड़ैल होती है बिना सर मतलब धड़ वाली, वो एकदम से गायब हो जाती है। अब जब वो गायब हो जाती है तो साहिल को थोड़ी सी राहत की सांस मिलती है और वो थोड़ा खुश होता है कि हाँ भाई चलो अब मैं बच गया, और उसके बाद वो आराम से सो जाता है। सोने के बाद कभी फिर दोबारा उसको ये चीज कभी फेस नहीं करनी पड़ती, लेकिन कभी कभी अचानक से जब ये चीजें उसे याद आती है तो वो बहुत ज्यादा डर जाता है, परेशान हो जाता है, क्योंकि यार बात ऐसे ही है, जिसके साथ होता है ना वो ही समझ पाता है कि भूत वाला सीन जो होता है बहुत बिगड़ होता है भाई। यही थी आज की स्टोरी, अगर स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन जरूर दबाना, और भाई अगर मेरा दूसरा वाला मेन चैनल अभी तक फॉलो नहीं किया है या सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाओ जाके वीडियो देखो, अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर करना चैनल। नीचे सारे लिंक्स दिए हुए हैं, इंस्टाग्राम का भी लिंक है, सब कुछ है, तो जाके सब जगह भाई को फॉलो कर लो और सब जगह भाई की वीडियो देख सकते हो आप। मैं मिलता हूँ आपसे इससे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहें, खुश रहें, मस्त रहें और अपने भाई की वीडियो देखते रहें। बाय बाय।